गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी का पढ़ाई जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जिस तरह से हम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज कर रहे थे, तो हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम करेंगे बैंकिंग कंपनीज का चैप्टर। ओके, जब भी हम बैंकिंग कंपनीज का चैप्टर की तरफ बढ़े, उससे पहले हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। ओके, तो अभी ये जो हमारा अक्षय ठक्कर क्लासेस है, तो ये क्लासेस में हम FYJC SYJC कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ये बैचेस स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप लोगों के रिलेटिव्स में कोई है, फ्रेंड्स में कोई है, तो प्लीज उनको, भाई बहन, छोटे भाई बहन, तो उनको ये रेफर करना, ठीक है। और FY BCOM से लेके TY BCOM का भी कोर्सेस है, लेकिन हर इसका एफ बैफ हो गया, BBI, BMS, एंड वी ऑल्सो ऑफर कोर्सेज एट प्रोफेशनल लेवल, ठीक है, CA, CS, CMA एट ऑल लेवल्स, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है, तो आप लोग को ये नंबर दिया है, तो ये नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। और अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये CA अक्षय ठक्कर क्लासेस है, टेलीग्राम चैनल का नाम। और हम इंस्टाग्राम पर भी है, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, CA_अक्षय ठक्कर क्लासेस करके। और फिर यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हो, तो गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज शेयर करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। ठीक है, चलो तो अभी हम मूव करते हैं बैंकिंग अकाउंट्स, बैंकिंग कंपनीज के चैप्टर की तरफ, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है, आप लोगों के लिए बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो अभी क्या दिया है कि फॉलोइंग फिगर्स दिए फ्रॉम दी बुक्स ऑफ न्यू बैंक लिमिटेड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट सब दिया है। अभी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या दिया है यहाँ पर हमें, कि कस्टमर जिसको सम ऑफ 5 लाख वॉज एडवांस्ड हैज बिकम इंसॉल्वेंट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओनली 50% कैन बी रिकवर्ड। जिसको 5 लाख देने का था कस्टमर को, उसमें से 50% ही रिकवरेबल है। और फिर मतलब भी 50% रिकवरेबल है, 50% रिकवरेबल नहीं है, तो उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेसेसरी प्रोविजन करना है, और इसका एसेट्स का स्टैंडर्ड का ये सब अभी इसका प्रोविजन करना है, तो ये हम आगे करेंगे। और 6,50,000 का इनकम टैक्स का प्रोविजन करना है। डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, और 25% प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 31 मार्च 2020 को 20,000, और 2021 को 15,000 है। हमें करना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो फिर अभी ठीक है, हम सोल्यूशन के साथ, क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी देखते हैं। पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो इसलिए सिर्फ स्क्रीन रखती हूँ मैं। यस, दिख रहा है ना आप लोगों को, सो मच जाना, यहाँ ध्यान से देना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर ये, ठीक है। पहला है कि इंटरेस्ट अर्न्ड का है, ये इंटरेस्ट अर्न्ड का निकलना होता है हमें। यस, इंटरेस्ट अर्न्ड का हमें निकालना है। तो इंटरेस्ट और शेड्यूल क्या होता है, एज पर बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंटरेस्ट ऑन का 13, अदर इनकम का 14, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का 15, और अदर एक्सपेंसेस का 16, ठीक है। तो अभी शेड्यूल का, इंटरेस्ट का शेड्यूल 13 है, यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है 48,11,200। फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमें दिया था यहाँ पर 48,11,200, ठीक है। और रीबेट यहाँ पर क्वेश्चन में लास्ट ईयर का 20,000 है, और इस साल का 15,000, तो लास्ट ईयर का हमें ले लेना है अभी, फिर इस साल का हमें लेस करना पड़ेगा। तो ऐड 20,000 लेस 15,000, तो आ जाएगा कितना, 48,16,200। तो ये इंटरेस्ट हो गया 48,16,200। और कैश क्रेडिट का यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बोला, ये पेड ऑन डिस, ये एक्सपेंस है, सैलरीज ये सब एक्सपेंस है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट ये हमें कितना बोला, 2,65,000, तो ये ले लिया 2,65,000। फिर हमें क्या बोला है कि प्रॉफिट ऑन, नहीं नहीं इंटरेस्ट की सिर्फ बात कर रहे हैं ना, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, तो 1,20,000। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न्ड। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या आ जाएगा, सैलरीज, डायरेक्टर्स, नहीं, यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,15,800, और फिर रेंट रिसीव आ जाएगा 65,000, और क्या आएगा 1,15,800 ले लिया। फिर कमीशन है ना, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन ब्रोकरेज रिसीव कितना आ जाएगा, 1,45,000। तो ये तीनों का एडिशन करके हमारा आ जाएगा 3,25,800। तो इंटरेस्ट इनकम निकाला हमने, और अदर इनकम निकाला, फिर टोटल लिख देने का ए। फिर अभी क्या, एक्सपेंस पार्ट पे आएंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का
शेड्यूल क्या होगा 15। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का शेड्यूल में क्या है, इंटरेस्ट से पेड ऑन डिपॉजिट्स 20 to 95, 920। तो इतना आ गया हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितना आएगा, अभी जितने भी बचे कुछ एक्सपेंस है सब ऑपरेटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग में, ये लिया हमने, ये भी ले लिया, सैलरीज आ जाएगा, सैलरीज एंड अलाउंसेस आ जाएगा 8,40,000। आप लोग भी ऐड करते जाओ साइड बाय साइड में, साइड में आपको रीचेक करवाती हूँ। 8,40,000 आ गया, फिर डायरेक्टर्स आ गया, फीस एंड अलाउंस 45,000, ये आ गया 45,000। फिर यहाँ पर ये स्टूडेंट, ये कैपिटल तो नहीं आएगा, कमीशन रिसीव्ड ये भी नहीं आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना आएगा, 60,000, ये आ गया 60,000 पोस्टेज का। और स्टैचुटरी रिजर्व फंड ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये रिजर्व फंड है। फिर इंटरेस्ट ऑन क्रैश क्रेडिट हमने इनकम ले लिया, प्रॉफिट भी इनकम लिया। डेप्रिसिएशन अब द अदर एक्सपेंस है, 40,000 आ जाएगा, तो ये 40,000 आ गया। फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी इनकम में लिया था, इंटरेस्ट इनकम। फिर रेंट रिसीव को अदर इनकम में लिया था। लीगल एक्सपेंस 41,000, ऑडिटर फीस और स्टैचुटरी ये तीनों भी यहाँ पर आ जाएगा। लीगल एक्सपेंस 5,000 का ऑडिटर फी और स्टैचुटरी एक्सपेंस 38,000। तो ये तीनों आज आ गया। तो हमने क्या क्या ले लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, सैलरी का ले लिया 8,40,000 आ गया। फिर डेप्रिसिएशन लिया था 45, डायरेक्टर फी लिया, ऑडिटर फी लिया, स्टैचुटरी एक्सपेंस, पोस्टेज, लीगल, तो ये सबका एडिशन आके 10,49,000 ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो दोनों को लेस करके आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अभी प्रॉफिट बोर्ड बोर्ड फॉरवर्ड क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पर। फिर बाद में क्या बोला है कि 25% ट्रांसफर करना था रिजर्व फंड का, तो इसका 25% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10%, और इश्यूड कैपिटल कितना है हमारा 16 लाख, इसका 10% 1,60,000 आ जाएगा। तो उतना डिविडेंड हम ट्रांसफर करेंगे, और जो भी बैलेंस अमाउंट है इसमें से जो भी ये पहले ट्रांसफर किया, फिर डिविडेंड प्रपोज किया, फिर बैलेंसिंग फिगर जो है वो हम कैरी ओवर टू बैलेंस शीट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ये बना लिया, ठीक है। बट हमने एक पॉइंट मिस कर दिया, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा, उसके बाद प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज भी लिखना रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी प्रोविजन दिया है, प्रोविजन इनकम टैक्स का 6,50,000 दिया यहाँ पर एडजस्टमेंट में, तो वो 6,50,000 ले लिया हमने। फिर यहाँ पर ये 2,37,000 ये हम इसका कैलकुलेट करके नीचे वर्किंग से लाते हैं, और 2,50,000 यहाँ पर ये 5 लाख था ना जिसका कस्टमर 50% रिकवरेबल था, 50% का प्रोविजन करना था, तो ये 50% ये रहा 2,50,000। तो अभी 2,37,000 कैसे आया ये हम वर्किंग में देखते हैं, ठीक है। तो ये अभी ये सब कुछ अमाउंट ऑफ एडवांसेस था, इसके ऊपर अभी कितना प्रोविजन बनाना है वो देखना है। अभी स्टैंडर्ड एसेट से उसके ऊपर 40%, 0.4% प्रोविजन बनेगा। सब स्टैंडर्ड के ऊपर कितना बनता है 15%, ये सब रेट यहाँ पे याद रख लेना। फिर डाउटफुल एसेट्स 1 ईयर के वो भी सिक्योर्ड है, बस 25%, और लॉस एसेट है तो 100% ही करना है प्रोविजन। तो इतना इतना परसेंट अप्लाई करके हमारा अमाउंट ऑफ प्रोविजन आएगा 2,37,000, और ये तीनों को भी ऐड करके हमारा आ जाएगा टोटल प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। तो ये हमने क्वेश्चन में सब पॉइंट्स कवर कर लिया। तो ये यहाँ पर हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या बोला है कि कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड एसेट्स है। हाँ, तो कमर्शियल बैंक का फॉलोइंग कैपिटल फंड एंड एसेट्स है, फिर एग्रीगेट करना है कैपिटल फंड को टायर 1 और टायर 2 कैपिटल में। तो हमें निकालना क्या है, रिस्क एडजस्टेड एसेट और रिस्क वेटेड एसेट्स, पहले टायर 1 और टायर 2 में सेग्रीगेट करके फिर रिस्क वेटेड एसेट निकालना है। तो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी यहाँ पर अभी आप देखोगे ना, यहाँ पर कैपिटल 1, टायर 1 में क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, फिर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव भी आ जाएगा, क्यूमुलेटिव टायर 2 में आता है, नॉन क्यूमुलेटिव टायर 1 में आएगा और क्यूमुलेटिव टायर 2 में आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है टायर 2 में आएगा। फिर स्टैचुटरी रिजर्व 1,350, ये अपना टायर 1 में आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व है उसमें से 13.5 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की वजह से है, तो इतना लेस 45 में से 13.5 लेस करके जो भी बचेगा वो हम टायर 1 में लेंगे। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम लिया, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, स्टैचुटरी रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये टायर 1 हमने क्लासिफाई कर लिया। फिर
लेस इंटेंजिबल एसेट्स, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स जो भी है फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करना है। तो इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है एडजस्टमेंट में इंटेंजिबल 18, तो ये हमने यहाँ पर लेस कर दिया। और डेफर्ड टैक्स एसेट भी दिया है 0.4, तो ये भी लेस कर देंगे 0.4, तो हमारा हो जाएगा ये कैपिटल फंड टायर वन का टोटल, और टू टायर टू का अभी क्यूमुलेटिव ले लेंगे हम यहाँ पर। और कैपिटल रिजर्व जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से आ रहा था वो टायर टू में आएगा। इसमें हम ना ये लाइक ऐसे कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में किधर आपको दिया नहीं है कि आपको डिस्काउंट कितना देना है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जितना रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से जितना रिजर्व होता है ना, तो वो कैपिटल फंड टायर टू में लेना है और उसका डिस्काउंट कर लेस करके लेना है। तो लेस कितना डिस्काउंट करेंगे, 55% लेस करके जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 55% लेस किया ये 13.5 का, फिर बाकी बैलेंसिंग फिगर बाहर के कॉलम में आएगा। तो टोटल कैपिटल फंड टायर टू आ गया, फिर दोनों भी टायर वन और तो टायर टू को ऐड करके आ जाएगा हमारा टोटल कैपिटल फंड। ठीक है, अभी एडजस्टेड एसेट यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है, तो ये सब एसेट्स कैश बैलेंस ये सब को ही हमने यहाँ पर लिखा है। तो अभी कैशेज बैलेंस बैंक के पास या या आरबीआई के पास अगर कुछ भी है तो उसमें रिस्क जीरो है, क्योंकि हम भरोसा करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो अभी कैश बैलेंस विद आरबीआई उसके लिए वेट रिस्क जीरो। अदर बैंक्स के पास रहेगा तो 20%। बैंक्स आए हैं ना आरबीआई मतलब गवर्नमेंट को छोड़ के अदर बैंक्स आए तो 20% आएगा। फिर क्लेम ऑन बैंक्स 20% आ जाएगा यहाँ पर भी। इन्वेस्टमेंट इन वेंचर फिर यहाँ पर भी बैंक से भी 20%। अभी अभी यहाँ पर ध्यान देना कि ये वेंचर कैपिटल फंड्स जो है यहाँ पर 150% आएगा। वेंचर कैपिटल में कितना आएगा, 150% रिस्क है, और यहाँ पर कितना अदर इन्वेस्टमेंट तो 100% रिस्क है, तो इसका 100% आ जाएगा। और लोन्स एडवांसेस अभी गवर्नमेंट ने गारंटी दी तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। फिर पब्लिक सेक्टर मतलब ये भी गवर्नमेंट का ही है तो इसमें भी 0% रिस्क आ जाएगा। लीज एसेट्स है तो यहाँ पर 100%। अभी टर्म डिपॉजिट रहेगा ना तो उसका भी रिस्क जीरो होता है। और एजुकेशन लोन है तो 100% रिस्क आ जाएगा। ठीक है, ये समझा। तो ये रिस्क हम इसके ऊपर रुपीस पे निकाल के हमारा आ जाएगा, ये टोटल रिस्क आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिस्क एडजस्टेड एसेट्स भी आ गया। और ऑफ बैलेंस शीट क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पर ये ले लिया हमने प्रिमाइसेस ले लिया और इंटेंजिबल डेफर्ड ले लिया। अभी ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो भी है वो पूरा 100% उसका रिस्क, उसमें 100% रिस्क होता है। ठीक है, उसका कन्वर्जन क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कितना है, 100%। तो ये भी सब अप्लाई करके हमारा अमाउंट इतना आ जाता है। तो अभी रिस्क एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल फंड्स जो हमने निकाला ऊपर टायर वन और टायर टू का अपॉन रिस्क एडजस्टेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो रिस्क एडजस्टेड एसेट आ गया ये, और ये रिस्क एडजस्टेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा कितना रेशियो आ जाएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 11.55%। इजी था क्वेश्चन, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसमें कितना परसेंटेज लेना है। जिसमें क्वेश्चन में परसेंटेज ना बस ध्यान में रखना, इसमें ये क्वेश्चन में ध्यान में रखने से ऐसा क्या था, एक वेंचर कैपिटल फंड था उसमें कितना रिस्क है, 150%। ओके, और बाकी बैंक रहेगा तो 20%, और कोई गवर्नमेंट रहेगा तो उसमें गवर्नमेंट रिलेटेड रहेगा तो 0% आ जाएगा। ओके, हाँ, और एक टर्म डिपॉजिट, अगर टर्म डिपॉजिट रहेगा तो उसमें भी 0% रिस्क है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या बोला है, वासु कमर्शियल बैंक के पास फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड एसेट्स है, फिर सेग्रीगेट करना है इसको सेम टायर वन और टायर टू के, इसमें सेग्रीगेट करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आएगा, टायर वन में आएगा। स्टैचुटरी किस पे आएगा, टायर वन में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वन वन। और कैपिटल रिजर्व है उसमें से क्या बोला है कि 26 करोड़ जो है वो रिवैल्यूएशन एसेट्स में, तो ये टायर टू में आएगा। जो रिवैल्यूएशन एसेट्स से रिजर्व होता है वो टायर टू में आ जाएगा। तो इसमें अभी 87 में से 27 लेस करके कितना आ जाएगा, सॉरी 87 में से 26 लेस करके कितना आएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 61 हम टायर वन में लेंगे। ओके, और एसेट साइड में तो ये सब रिस्क निकालने के लिए। ओके, तो ये हमारा हो गया टायर वन का टोटल, तो कितना आएगा टायर वन का, ये तीनों का लेंगे तो 850 प्लस 61 911 आ जाएगा टायर वन का।
यस मैच, टायर वन का 9/11 आ गया, और टायर टू में अभी क्या आएगा? ये जो हमने रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स का 26 CR लिया था, तो 26 में से 55% डिस्काउंट रहता है, तो उतना लेस करके लेना। 26 का 55% कितना होगा? 14.3। तो इतना माइनस करके जो भी रहेगा वो टायर टू में जाएगा। कितना जाएगा? 11.7 टायर टू में जाएगा, 11.7। फिर ये दोनों का एडिशन होके टोटल कैपिटल फंड्स हो जाएगा। गॉट इट? बहुत सिंपल है, बहुत। फिर यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया है, ये एसेट्स जो भी, इसके ऊपर अभी हमें रिस्क निकालना है। ओके, तो अभी पहले तो रिस्क में डायरेक्टली RBI के पास है तो 0%, फिर अदर बैंक्स के पास है तो 20%, फिर अदर इन्वेस्टमेंट है तो 100% है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने दिया तो 0%, अदर्स दिया तो 100%, और प्रिमाइस फर्नीचर का तो 100% ही है। और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स अभी देखे तो उसका भी कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है? 100%। तो ये जो ऊपर रिस्क पर एडजस्टेड एसेट्स और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ये दोनों का टोटल लेके हमारा हो जाएगा ये नीचे का पार्ट। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इज इक्वल्स टू कैपिटल फंड, उसमें टायर वन और टायर टू में जो निकला उसका एडिशन, अपॉन रिस्क एडजस्टेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ये जो निकला। तो कैपिटल फंड जो ऊपर निकला तो ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। फिर अपॉन, ये भी प्लस है थोड़ा, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर ये दोनों का एडिशन, रिस्क एडजस्टेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ये ऐड करके ये सॉल्व करने के बाद हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना आ जाएगा? 7.97%। तो यहाँ पर ये वो क्वेश्चन हो जाता है हमारा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्या बोला कि फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट दिया, बैलेंस शीट का बिल डिस्काउंटेड दिया है, और डिस्काउंट रिसीव्ड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 2017, कितना? 26,955.92। और बिल डिस्काउंटेड या हर एक अलग अलग डेट पे अलग अलग ड्यू डेट के हिसाब से रेट पे निकालना है हमें डिस्काउंट रिबेट निकालना है। फिर बाद में हमें क्या निकालना? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो ये रिबेट का हम बाजू में कैलकुलेट कर लेगा ये टेबल के। तो यहाँ पर अभी फोर्थ मई है, ठीक है, 4th मई। तो उसको अप्रैल से, अप्रैल के बाद से कितना डेज हो जाएगा? अप्रैल मई, ठीक है, तो अप्रैल 30 और 34 डेज हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अप्रैल मई, तो अप्रैल 30 और 12 हो जाएगा 42 डेज, और अप्रैल और मई तो 30 और 20 58 डेज हो जाएगा। फिर अप्रैल मई जून, तो कितना आ जाएगा? 30 प्लस 31 प्लस 18, तो टोटल डेज आ जाएगा 79 डेज। और ये 4th जुलाई, तो कौन सा कितना टाइम है? अप्रैल का 30 डेज, मई का 31, जून का 30 डेज, एंड जुलाई का 4 डेज, तो कितना आ जाएगा? 95 डेज। अभी ये इंडिविजुअली हर एक का निकालना, तो कैसे निकालेंगे? 1,46,200 इंटू 15% इंटू 34 डिवाइड बाई 365, सबको डिवाइड बाई 365 करना है। तो और फिर ये परसेंट निकाल के हमारा इंडिविजुअली आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये लोगों ने ऐसे ही किया है, पहले 30, 60, 34, 42, 58, 79 डेज निकाला है पूरा 2 डेज। फिर ये वैल्यू के ऊपर इतना परसेंट मार के अप इंटू 34 अपॉन 365 डेज, तो ये हमारा डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा। इसका टोटल आ जाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। समझा? ये बहुत इजी था। फिर क्या बोला है हमें क्वेश्चन में कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो गिवेन, एसेट्स यस, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड। अच्छा, ये प्रोविजन निकलना रहेगा हमें, आप लोगों को प्रोविजन का परसेंटेज याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। फिर बाद में, ठीक है, अब ये प्रोविजन बोला है, अभी स्टैंडर्ड जो एसेट है, स्टैंडर्ड एसेट जो है उसके रिलेटेड ये पॉइंट बोला है कि स्टैंडर्ड एसेट में 15 लाख से जो एडवांस दिया था कमर्शियल रियल एस्टेट को, तो अभी ये जो 15 लाख से टोटल 75 है, ओके, तो ये जो एडवांस दिया है 15 लाख का, उसके ऊपर परसेंटेज कितना आएगा? प्रोविजन का 1% आएगा। कितना? 1%। तो ये 1% प्रोविजन हो गया। फिर बाकी का जो बचा हुआ था 16, उसके ऊपर कितना आता है? स्टैंडर्ड के ऊपर कितना आता है? 4.4% ना, तो उतना ही आएगा, 0.4%। सिर्फ एडवांस जो CRE को दिया उसमें 1% आएगा, ये सिर्फ ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांस टू CRE कितना आएगा? 1% आ जाएगा, और बाकी अदर्स को जो नॉर्मली 0.4%। फिर सब स्टैंडर्ड में, अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला है? सब स्टैंडर्ड, तो इसमें से ये 60 है। अभी सेकंड क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 60 लाख्स ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट ऑफ ₹20 लाख आर अनसिक्योर्ड, और अनसिक्योर्ड अमाउंट कितना है? 5 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन अकाउंट विद एस्क्रो सेफगार्ड, ठीक है। तो 20, अभी टोटल 60 लाख है, उसमें से 20 लाख अनसिक्योर्ड है, और उसमें 20 में से जो भी 5 लाख है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के रिलेटेड है। तो अभी यहाँ पर, पहले तो 60 में से 20 अनसिक्योर्ड है,
बचा 40 है, तो 40 का हम लोग नॉर्मल कितना लेते हैं, सब स्टैंडर्ड का, सिक्योर का 15%, तो 40 का 15% ले लिया। फिर अभी 20 में से 5 क्या था, 5 अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना आएगा, 20%, और अनसिक्योर्ड अदर्स में कितना आ जाएगा, 25%। ये वाला वापस करते हैं, पहले टोटल 60 था, 60 में से पहले 20 कितना बोला, 20 टोटल पहले बोला अनसिक्योर्ड है, तो हम जो सिक्योर्ड है पहले उसको हम 15% से निकालेंगे, 40 का 15% से सिक्योर्ड निकल गया। फिर 20 में से 5 बोला इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो वो जो 5 इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सो उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रोविजन आ जाएगा 20%, और अनसिक्योर्ड अदर्स में उसमें परसेंटेज ऑफ प्रोविजन आ जाएगा 25%। ओके, हाँ, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, सब स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अभी डाउटफुल के रिलेटेड कुछ बोला है क्या? यस, द डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स, पहला वाला भी कुछ नहीं है, तो 1 ईयर फुल्ली सिक्योर्ड है, तो इसका कितना आ जाएगा, 25%, 12 का 25% आ जाएगा। देखो लिया है 12 का 25%। फिर नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, 1 to 3 ईयर्स का फुल्ली सिक्योर्ड है, तो 1 to 3 ईयर्स का कितना आ जाएगा, 40%, कितना आ जाएगा, 40%। यस, 40% ले लिया। अभी मोर देन 3 ईयर्स में कुछ बोला था कि जो डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स है, कितना इंक्लूड 4 लैक्स विच इज कवर्ड बाय 50% ECGC में कवर्ड है, और टोटल कितना है 3 ईयर्स का, 9 लैक्स, उसमें से 50% ECGC कवर्ड में है। ओके, तो अभी इसका वर्किंग नोट, टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 4 लैक्स दिया है क्वेश्चन में, सॉरी 9 लैक्स दिया था, उसमें से 5 लैक्स जो है ECGC कवर में है, तो बचा कितना, 4 लैक्स, तो 4 लैक्स में से हम वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना दिया है, 150 लैक्स दिया है क्वेश्चन में, और ये ऊपर 9 नहीं, एक्चुअली 900 है, 9 कॉमा था, पॉइंट नहीं है, 900 है, तो ये 900 में से 450 माइनस कर लिया हमने, सॉरी 900 में से पहले तो 400 माइनस किया, तो 500 बचा, फिर 500 में से 150 आ जाएगा, और हमारा ECGC में कितना कवर्ड है, 400 कवर्ड था, तो वो जो ECGC में कवर्ड है वो 400 को यहाँ पर लिया, फिर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उसमें से लेस हो जाएगा 150, तो अनरियलाइज कितना होगा, 250, इसमें ECGC कवर कितना, 50% लगेगा, तो इसका 250 का 50% करके बचा हुआ जो है वो नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस आ जाएगा, 125 इज नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस। तो हमें प्रोविजन अभी किसका बनाने का, अनसिक्योर्ड, ये जो ऊपर अनसिक्योर्ड है 125 का अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो उसका प्रोविजन कितना बनेगा, पूरा 100% बनेगा, तो 125 हो गया, और सिक्योर्ड पोर्शन था, ये भी इस वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन इज हाउ मच, 150, बट ये मोर देन 3 ईयर्स है, तो कितना हो जाएगा प्रोविजन, 100% ही होगा, तो ये भी आ जाएगा 150 पूरा आ जाएगा, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 275। ओके, तो ये हमारा वर्किंग हो गया, और ये 5 जो मोर देन 3 ईयर्स था, 4 का तो ECGC था, और बचा हुआ 5 था उसके ऊपर पूरा 100% आ जाएगा, तो वो पूरा 100 आ गया, और ये 4 का हमने नीचे वर्किंग किया, तो उसके वर्किंग के हिसाब से कितना आ जाएगा, 275। ओके, तो ये आ गया 275, और लॉस दिया क्वेश्चन लास्ट में, तो लॉस का वैसे भी 100% पूरा प्रोविजन बनता है, तो वो भी आ जाएगा, तो ये सब एडिशन करके हमारा हो जाएगा टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड। ओके, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना, लाइक बहुत 2-3 तरह का टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बैंक लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बिल डिस्काउंटेड दिया, रिबेट दिया है, और डिस्काउंट रिसीव दिया है, और डिटेल्स ऑफ डिस्काउंटेड दिया, ये कैसे निकाला कि अभी ऊपर जो हमने निकाला था ना, डेट अप्रैल से लेके ये ड्यू डेट तक कैलकुलेट करना है, कितना डेट होता है, फिर ये अमाउंट को इस रेट ऑफ डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करके इनटू नंबर ऑफ डेज कवर्ड अपॉन टोटल डेज 365, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो ये वर्किंग वैसे ही किया उन्होंने, तो 10,95,000, फिर वहां से कितना डे यूज होता है, फिर वो डिस्काउंट मार के डिस्काउंट अमाउंट निकाला, फिर सबका एडिशन हो गया हमारा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। फिर अभी जेबी पास करने बोला था क्वेश्चन में, पहले रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमने निकाल लिया इजीली, फिर जेबी पास करना था, तो जेबी के लिए पहले रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, पर लास्ट ईयर का क्वेश्चन में देखो दिया, यहाँ पर रिबेट कितना दिया लास्ट ईयर का,
1,32,000। तो अभी लास्ट ईयर का दिया था, तो अभी हमें करंट ईयर यूटिलाइज करना है। तो रिपीट एंड बिल डिस्काउंट का डेबिट करेंगे, और टू डिस्काउंट एंड बिल, ये लास्ट ईयर का डेबिट के लिए एंट्री हो गया। और अभी करंट ईयर में हमने कितना यहाँ पर जनरेट किया, 3,00,000, सॉरी 3 लाख, उप्स। तो 3, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, डिस्काउंट एंड बिल्स टू रिपीट एंड बिल डिस्काउंटेड। फिर बाद में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में फिर ईयर एंड में ट्रांसफर करना है, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसके लिए वर्किंग है, जो लास्ट ईयर का रिबेट है वो लिया हमने। फिर जो डिस्काउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर दिया है हमें डिस्काउंट अमाउंट 6,33,000, तो ये डिस्काउंट को लास्ट ईयर के रिबेट में ऐड करना है। फिर अभी करंट ईयर में हमने जितना रिबेट निकाला है वो माइनस करके ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये हमें हम ट्रांसफर करेंगे डिस्काउंट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,65,814। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आस्था बैंक कैपिटल फंड्स दिया है, एसेट्स दिए है। ये सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे जो हमने ऊपर किया, कैपिटल फंड टायर वन और टायर टू में सेग्रीगेट करना है। चल अभी साथ साथ में आप लोग भी करना। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल ये टायर वन में आ जाएगा, स्टैचूटरी रिजर्व भी टायर वन में आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है, तो मतलब डेबिट बैलेंस ये मतलब ये लेस होगा, ये जो टायर वन में ही आएगा बट ये लेस हो के आएगा। और फिर कैपिटल रिजर्व उसमें से 25 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से है, और तो हमें सेल ऑफ एसेट्स मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है वही लेना है। तो अभी कितना है टोटल फिगर, 130। तो 130 में से 25 माइनस करके हमें कितना लेना है, 105 लेना है। और बस ये हो गया हमारा टायर वन का पार्ट। और कुछ मिसलेनियस दिया है क्या कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में? नो, कुछ भी नहीं दिया है। तो हमारा टायर वन का टोटल कितना आ जाएगा, ये तीनों का एडिशन और ये माइनस हो जाएगा, तो 600 + 470 -30 + 105, हाँ 1,145। यस, ये हमारा आगे 1,145। और कैपिटल फंड टायर टू में कुछ दिया नहीं है, तो ये जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में 25 करोड़ था वो डिस्काउंट होगा उसका 55% तक, तो 25 - 55% कितना आ जाएगा, 11.25। यस 11.25, हाँ 11.25 आ गया। मैंने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया, डायरेक्टली 25 में से 55% माइनस करके 11.25%। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल कैपिटल फंड्स। और फिर अभी रिस्क एडजस्टेड एसेट्स, ये जो क्वेश्चन में दिया है हम डायरेक्टली यहाँ से देखते हैं। अभी आरबीआई के पास है तो 0% रिस्क है, अदर बैंक्स 20%, अब ये बैंक्स का भी 20%, अदर इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। फिर लोन्स का भी अभी गवर्नमेंट दिया है तो रिस्क इसमें 0 हो जाएगा। फिर डीआईसी जीसी और ईसीजीसी, अगर इसने लोन दिया है तो उसमें 50% रिस्क है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना, 50% कवर्ड होता है। अभी हमने ऊपर वाले सब में देखा था ना, तो उसमें रिस्क कितना है, 50% है। और अदर्स तो 100% ही आ जाएगा, प्रीमाइस लीज एसेट्स ये सब में 100% आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ गया, 9,636। और ऑफ बैलेंस शीट में क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर कितना होता है, 100% होता है। तो ये सबको ऐड करके हम ये फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमारा कैपिटल वेटेड एसेट रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। अभी नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। यस, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट हमें बनाना क्या, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम और 2 साल का दिया है यहाँ पर हमें, और 25% प्रॉफिट ट्रांसफर किया स्टैचुटरी रिजर्व में, 5% ट्रांसफर किया रेवेन्यू रिजर्व में। हमें नेसेसरी शेड्यूल भी बनाना है, तो ठीक है बहुत ईजी सब है, बहुत ईजी है, आप लोग डरना नहीं, ये सब कुछ इनफैक्ट बहुत स्कोरिंग है, बाकी सब चैप्टर से ज्यादा स्कोरिंग ये चैप्टर है आपका। इंटरेस्ट इनकम कैसे आ जाएगा, हम डायरेक्टली शेड्यूल से ही मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अभी आप लास्ट ईयर को देखोगे तो लास्ट ईयर के इसमें से ना 7.35, 71.35 ये लास्ट ईयर का ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तीनों का एडिशन हो जाएगा हमारा 7,135, ये हो गया। फिर बाद में करंट ईयर में क्या करना है कि करंट ईयर में जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया ना 10,10,225, उसमें ना ये जो प्रोविजन है ना
और ये टैक्स प्रोविजन, ये डाउटफुल डेट्स का और लॉस इन इन्वेस्टमेंट, ये तीनों भी अब हम लोगों को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला कि फॉलोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो ये जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में से एडजस्ट किया है, तो हमें इसको वापस से ऐड बैक या लेस करना है। ओके, तो अभी कितना आ जाएगा, 10225 प्लस 740 प्लस 460, लॉस माइनस होगा माइनस 60। नहीं, 10225 प्लस 740 प्लस 460, 11425 प्लस 60, तो ये तीनों भी ऐड हो गया इसमें, ठीक है, क्योंकि ये लेस होने वाले आइटम है। तो अभी हमें इसको वापस से हमें फिगर लिखना है अभी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ऐड बैक हो जाएगा। फिर बाद में 102 ये आ जाएगा 11485। कैसे है आपको पता है ना, ये 10225, ये इसका एडिशन किया और ये तीनों का एडिशन किया तो हमें आया 11485। फिर बाद में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 560885, 560885, और यहाँ पर 7135570 और 775 ले ले लास्ट ईयर का, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट इंटरेस्ट अर्नड हो गया। अभी यहाँ पर अदर इनकम में क्या आ जाएगा लास्ट ईयर में, ये सेम 3610 आ जाएगा और 60 आ जाएगा, 3610 और 60 आ गया। और करंट ईयर में देखिए तो 3560, 610, और यहाँ पर क्वेश्चन में लॉस दिया है, लॉस ये 60 भी लेस होके आ जाएगा, तो 3560, 6160, 60 लेस होके आया क्योंकि लॉस था। तो ये हमारा हो गया 4110 अदर इनकम हो गया। अभी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना आएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लास्ट ईयर में ये 3060, 635, 3060, 635 एडिशन हो गया। और करंट ईयर में कैसे होगा, सेम 4110, 735, ये दोनों का एडिशन होके इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आ जाएगा टोटल। फिर अदर एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, ये सब ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एडिशन करके लास्ट ईयर का आ जाएगा, एंड सेम फॉर करंट ईयर ऑल्सो। तो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नीचे तक हमारा हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस। ओके, और यहाँ पर हमने फिर ये अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में लिख दिया, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, फिर टोटल एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज यहाँ पर कैसे आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दो प्रोविजन दिया है हमें, एक 740 का और एक 460 का, तो 740 प्लस 460 कितना आ जाएगा हमारा, 740 और 460 दोनों का एडिशन हो जाएगा 1200 रुपया, तो ये आ गया हमारा 1200। ये प्रोविजन एंड कंटिजेंसी हो गया, तो सबको ऐड करके हमारा हो जाएगा टोटल आ गया। फिर अभी इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा एक्सपेंस माइनस इनकम करके, और ये जो लास्ट ईयर का है ना, लास्ट ईयर में हमें लॉस आया 30 रुपीज का, तो ये लॉस हम करंट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये 30 हमने करंट ईयर में एडजस्ट किया तो 485 आया। अभी अप्रोप्रिएशन में कैसे, यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में कि 25% हमने स्टैचुरी रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो 25% जो ट्रांसफर किया है तो ये किसका आएगा, 515 का आएगा, इसका 25% आएगा। आप लोगों को इसका 25% नहीं लेना है, जो नेट एक्चुअल नेट प्रॉफिट है विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट के बिना, तो 515 का 25% आ जाएगा स्टैचुरी रिजर्व में। और डिविडेंड कितना प्रपोज किया है, नहीं, 5% प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफर करना है, रेवेन्यू रिजर्व में। तो रेवेन्यू रिजर्व में 515 का 5% ट्रांसफर किया, और ये 515 में से इतना ट्रांसफर ये किया, फिर बैलेंसिंग अमाउंट जाएगा टू बैलेंस शीट, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट। इजी था क्वेश्चंस, आप लोगों के लिए काफी स्कोरिंग है, बस आप लोगों को टिक करते जाना है, जो जो एडजस्टमेंट आप लिखोगे ना तो वैसे वैसे टिक करना, ताकि आप लोगों का कुछ मिस ना हो जाए। और अगर समझे किसी चीज का दो इफेक्ट है तो तभी का तभी ऑन द स्पॉट देना इफेक्ट, बाद में के लिए रखना नहीं, तो बाद का वो बाद ही रह जाता है, भूल जाते फिर हम। अभी क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड काफी यूनिक है। ओके, इसको इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर इजी है वैसे तो बट यूनिक है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है। पहले तो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है, मार्जिन दिया है, सब इंफॉर्मेशन दिया है। हमें क्या बोला कि एक्सप्लेन सीआरआर, एक्सप्लेन करना है क्या है सीआरआर, और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीआरआर। तो पहले सीआरआर एज पर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से सब कुछ करना है।
यहाँ पर क्या बोला है कि CRR क्या है, स्मूथली मीटिंग कैश पेमेंट, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन अमाउंट रेडीली कैश बैलेंस ऑल टाइम्स। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बैंक को एक कुछ तो अमाउंट रखना पड़ता है हर टाइम, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, एक रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम बाइक चलाते तो हम बाइक में रिजर्व रखते हैं ना, कि बाइक का पेट्रोल एकदम खत्म होने के बाद ही हम पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं। फिर कैश रिजर्व कैन बी मेंटेन्ड बाय अ वे, कैसे मेंटेन करेंगे रिजर्व हम, कैश रिजर्व विद इटसेल्फ, कैश से, या फिर बैलेंस इन अ करंट अकाउंट विद RBI। कैसे कैश रिजर्व मेंटेन करेंगे, या तो कैश से या फिर बैलेंस जो हमने RBI के पास रखा है, और बाय वे ऑफ नेट बैलेंस इन करंट एसेट्स और इन वन और मोर एफोर्सेड वे। एवरी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, हर एक कमर्शियल बैंक, वो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, हैज टू मेंटेन CRR एज पर डायरेक्शन ऑफ RBI। RBI के डायरेक्शन के हिसाब से हर शेड्यूल कमर्शियल बैंक को CRR मेंटेन करना है। तो आपका CRR कितना है, करंट अभी कितना, करंट रेशियो कितना है, 4%, फिर अमेंडमेंट के हिसाब से 3% है। तो आप लोग ना दोनों भी सोल्यूशन लिख के आ जाना, एज पर अमेंडमेंट और 4%, दोनों भी तरीके से निकाल के आ जाना। इंस्टीट्यूट को जिससे मार्क्स देना वो उससे मार्क्स देगा, हमने दोनों तरीके से निकाले। हमने स्पेसिफाई किया है कि अमेंडमेंट के हिसाब से 3% हमने निकाल दिया और 4% भी हमने निकाल दिया, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हर एक आइटम दिया है, ये हर एक आइटम के नीचे लिया है। तो अभी मार्जिन हेल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, तो लेटर ऑफ क्रेडिट है तो ये डिमांड लाइबिलिटी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर रिकरिंग अमाउंट डिपॉजिट, रिकरिंग है तो ये कितना टाइम लाइबिलिटी, टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। फिर करंट डिपो, और ये अमाउंट जो एज इट इज क्वेश्चन में दिया वही आएगा, ठीक है। करंट डिपॉजिट, ये करंट डिपॉजिट है, डिमांड के हिसाब से आएगा, डिमांड डिपॉजिट नाम ही कुछ बोल रहे हैं तो डिमांड के हिसाब से ही आएगा। फिर अनक्लेम डिपॉजिट है, ये भी डिमांड लाइबिलिटी है। गोल्ड डिपॉजिट, ये तो टाइम का खेल है, गोल्ड डिपॉजिट में टाइम लाइबिलिटी आएगा। फिर डिमांड लाइबिलिटीज है तो ये तो क्वेश्चन में ही डिमांड है तो डिमांड लाइबिलिटी आ जाएगा। फिर टाइम लाइबिलिटी, ये भी क्वेश्चन में टाइम है तो टाइम लाइबिलिटी आ जाएगा। तो ये सभी का एडिशन करके हमारा हो जाएगा 3157, कितना आ जाएगा, 3157। और इसका CRR फिर हमें मेंटेन करना है 4% के हिसाब से, पहले CRR निकालना है, फिर अमेंडमेंट के हिसाब से भी हमें 3% के ऊपर निकालना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसको सॉल्यूशन के साथ साथ में ही देख के चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट दिया है, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट, ये जितना भी इंटरेस्ट इनकम है ना, और इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ RBI, तो ये सभी इंटरेस्ट इनकम को हमें पहले इसको ना हम लोग ऐड कर लेते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना नीचे देखो एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि इंटरेस्ट दिया है, ये जो ऊपर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है ये NPA का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन NPA अर्नड और कलेक्टेड है। तो हम लोग बता ना, हम लोग इंटरेस्ट ऑन NPA अर्न बेसिस पे लेते हैं कि कलेक्टेड बेसिस पे लेते हैं। NPA है ऑलरेडी, नॉन परफॉर्मिंग है, तो हमने अर्नड किया है, जो पहले पहले का ही नहीं दिया तो बाद का कैसे देगा, तो इसलिए जब भी एक्चुअली रिसीव होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट को, तो हम कलेक्टेड बेसिस पे लेते हैं इंटरेस्ट ऑन NPA को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया है, 13,65,000 प्लस 5,62,500 प्लस 11,55,000 प्लस 6,30,000 प्लस 11,12,500, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने पूरा इंटरेस्ट इनकम कैलसी में ऐड करके ले लिया। फिर यहाँ पर अर्नड पोर्शन जो है ना, ये हमें नहीं लेना था तो हम इतना इतना लेस कर देंगे, तो -6,15,000 -3,37,500 -5,62,500, ये सब कुछ माइनस कर दिया। और ये कलेक्टेड ये लेना है, ठीक है, कलेक्टेड बेसिस पे लेना है, तो अभी ये सब कुछ ऐड हो जाएगा, तो +3,00,000 +75,000 +1,87,500, तो ये हमारा हो जाएगा 28,72,500। एक बार चेक कर लेते, उतना ही है क्या, यस उतना ही है, 28,72,500। और अदर इनकम में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर अदर इनकम में कमीशन 55,56,250 आ जाएगा,
यस 56 to 50 आया, और कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट वो भी आ जाएगा, और कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस ये भी आ जाएगा। ये तीनों का एडिशन होके हमारा अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा। ओके, फिर अभी अदर इनकम, सॉरी हम लोग अदर इनकम की बात कर रहे हैं। ओके, फिर प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा ना अदर इनकम में। फिर प्रॉफिट में से लॉस को लेस करके हम भी दिखाएंगे, तो 20,000 माइनस 39, तो ये हमारा आ गया अदर इनकम। अभी फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में क्या क्या आ जाएगा? पहले तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सिर्फ ये अकेला ही आएगा, तो 20,40,000, और ये बाकी का जो भी जितना भी सब बचा है, तो ये सब कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर हमें क्या बोला कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, तो इसके ऊपर हमें प्रोविजन बनाने का है। तो अभी यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 22,50,000 है स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड के ऊपर हम कितना लेंगे? 40%, 0.4%। तो ये 0.4% लिया यहाँ पर। फिर सब स्टैंडर्ड के ऊपर कितना लेंगे? 15%। ओके, तो यहाँ पर डाउटफुल के ऊपर जो सिक्योर्ड से कवर्ड नहीं है, तो पूरा 100% आ जाएगा अनसिक्योर्ड पे। फिर डाउटफुल कवर्ड पे सिक्योर्ड फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए है, बट सिक्योर्ड फॉर 1 ईयर, तो कितना आएगा? 25% आ जाएगा। और लॉस एसेट्स का पूरा 100% आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला, ये ध्यान में, ये ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट दिया है 20,60,500, उसको कॉस्ट दिया है 20 लाख का। फिर बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट एज हेल्ड टू मेच्योरिटी। ओके, और मार्केट वैल्यू बाकी का 75% का कितना दिया? 14,18,81,000। अभी यहाँ पर हमें ना, यहाँ पर हमें यस, ये जो नोट दिया ना, ये नोट को ध्यान से पढ़ना। 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड टू मेच्योरिटी, ये क्वेश्चन में दिया है हमें। तो इन केस ऑफ हेल्ड टू मेच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूएशन इज डन एट कॉस्ट। जब भी हेल्ड टू मेच्योरिटी रहेगा ना, तभी हम वैल्यूएशन कॉस्ट पे करते हैं। एंड दिस आर नॉट मार्क टू मार्केट वैल्यू जनरली, और ये मार्केट वैल्यू पे हम जनरली नहीं करते हैं। तो हेंस डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन कैलकुलेटेड ओनली ऑन अदर इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए डेप्रिसिएशन हम अदर इन्वेस्टमेंट्स पे ही कैलकुलेट करेंगे, विच कैन बी आइदर हेल्प फॉर ट्रेडिंग या अवेलेबल फॉर सेल। तो हेल्थ टू मेच्योरिटी पे अगर एसेट है, तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, और हम वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक पॉइंट था। और डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड कब करेंगे? फिर जब हेल्प फॉर ट्रेडिंग है या फिर अवेलेबल फॉर सेल है। बट इट, तो अभी यहाँ पर हमारा कॉस्ट कितना दिया? 20,60,500। तो इसका 20,60,500 का 75% हमने ले लिया। फिर उसमें से जो मार्केट वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, उतना लेस करके हमारा ये फिगर और ये सब ऐड करके हमारा हो जाएगा टोटल प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन का फिगर लिखा, अदर इनकम का लिखा, फिर एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्रोविजन का फिगर लिखे हमने, प्रॉफिट और लॉस निकाला, जो कि हमारे लॉस आया 12,45,000 का। बट इट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। बहुत इजी सम सा, लॉजिकली अगर हम समझे बरोबर से, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, बट यूनिक है, काफी ऐसे रिपीटेड आता नहीं, तो शायद कभी भी आ सकता है, बोल नहीं सकते कुछ भी। तो पहले तो शॉर्ट नोट लिखते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। पहले आप लोग ही बता दें नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है जो परफॉर्म नहीं करता। अरे परफॉर्मिंग एसेट्स को हम पहले तो क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एसेट्स भी बोलते हैं। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? एक लोन है या फिर एक एडवांस है, एक लोन या एडवांस की तरह होता है, फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड 20 डेज। 90 दिन हो गए, मतलब 30 दिन में देना था, बट तो भी हमने ठीक है चल और टाइम दिया, 90 डेज हो गया, 90 डेज तक पेमेंट नहीं किया। फिर उस 90 डेज के बाद हम एसेट को क्या कंसिडर करेंगे? एनपीए कंसिडर करेंगे। 90 डेज के बाद ही हम एनपीए कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एसेट्स के अलावा दूसरा कौन सा एसेट होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनपीए को हम 3 ग्रुप पे कैटेगराइज करते हैं। पहले तो सब स्टैंडर्ड एसेट, फिर डाउटफुल एसेट और लॉस लॉस एसेट। तो अभी आप लोगों को पता ही होगा। और हम स्टैंडर्ड एसेट पे कितना प्रोविजन करते हैं? 0.4%। कितना? 0.4%। और अभी सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड एसेट विच हैज बीन क्लासिफाइड, मतलब एक सब स्टैंडर्ड कब तक रहता है वो? पहले 90 डेज के बाद। 90 डेज के बाद वो कितना कंसिडर हो जाता है? एनपीए कंसिडर होता है, तो 90 डेज हो जाता है। फिर बाद में फिर वो
एनपीए के बाद क्या कंसिडर होता है, सब स्टैंडर्ड। और सब स्टैंडर्ड का पीरियड कितना है, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स हो गया तो वो 12 मंथ्स तक वो सब स्टैंडर्ड कंसिडर होगा। ठीक है, डाउटफुल एसेट कब कंसिडर होगा, अगर वो इफ इट हैज रिमेन इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स। ठीक है, 12 महीने के लिए होगा तो, मतलब डाउटफुल में भी तीन तरह का है कि अप टू 1 ईयर, 1 टू 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर। अप टू 1 ईयर तो कितना परसेंट आएगा, 25%। 1 टू 3 ईयर आएगा तो कितना आएगा, 40%। और मोर देन 3 ईयर आएगा तो कितना, 100% आ जाएगा। ये सब कुछ सिक्योर पोर्शन का बात किया। और अगर इनके अनसिक्योर होते हैं तो पूरा 100% ही प्रोविजन बनाना है आपको। और लॉस एसेट्स में तो सवाल ही नहीं, आपको पूरा 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 प्रोविजन बनाना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनपीए का शॉर्ट नोट। फिर नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है हमें, यहाँ पर लिखना है कि स्टेट विथ रीजन वेदर द अबव कैश क्रेडिट एनपीए है कि नहीं। अभी यहाँ पर अभी सैंक्शन लिमिट दिया है, यहाँ पर इसका 4,500, इसका 3,200, ड्रॉइंग पावर दे दिया है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग दिया है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। ओके, अभी टोटल इंटरेस्ट डेबिट इतना है, क्रेडिट इतना है, दोनों में भी दिया है। अभी यहाँ पर क्या है, इस क्रेडिट इन द अकाउंट इज सफिशियंट टू कवर द डेबिटेड इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट डेबिट कितना है, 288, और क्रेडिट कितना है, 180। तो मतलब इंटरेस्ट को कवर करने के लिए भी पैसे नहीं है एक के पास। तो ये केस में तो ये नो, इसके पास पैसे नहीं है डेबिट इंटरेस्ट डेबिट हुआ उसको कवर करने के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ओवर ड्यू भी है 90 डेज से ज्यादा, इसलिए ये एनपीए कंसिडर होगा। और सेकेंड केस में डेबिट इंटरेस्ट कितना है, 315, और क्रेडिट कितना है, 318, कट इट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इसका क्रेडिट ज्यादा है, मतलब डेबिट पोर्शन ये कवर कर सकता है। तो यस, इट कैन कवर डेबिट पोर्शन। और ओवर ड्यू है कि 90 डेज के लिए, नो। तो ये क्या हो गया, एनपीए नहीं है इसलिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 सेम, अभी इसे एग्रीगेट करना है, फिर हमें बताना है कि ये टायर कैपिटल है कि सॉरी टायर 1 और टायर 2 में इसे एग्रीगेट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन सेम आता रहता है। अभी आप लोगों ने देखा ना कि ये सिमिलर क्वेश्चन कितनी बार आया, तो ये क्वेश्चन में आप लोग परसेंटेज ध्यान से याद कर लेना। अभी ये लेक्चर ही आप लोग एक दो बार देख लोगे ना तो आप लोगों को परसेंटेज याद हो जाएगा, और पूरा सेम क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है। कभी ये कैपिटल फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल टायर 1 में आएगा, स्टैचुटरी रिजर्व भी टायर 1 में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम टायर 1 में आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में 128 क्या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की वजह से। तो बाकी का जो बैलेंस है 120, मतलब 160 जो बैलेंस है, 160 जो बैलेंस है वो क्या, वो हम लेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है यहाँ पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो हम लेस करके लेंगे। और बाकी एसेट में कुछ दिया है क्या, फिक्टिशियस एसेट्स दिया है, इंटेंजिबल एसेट्स दिया है 48, तो ये भी लेस हो जाएगा टायर 1 में से। और कुछ दिया है क्या, नहीं। तो अभी कैसे हम क्या, 2400, अभी हम क्या निकाल रहे, कैपिटल फंड टायर 1 का, तो 2400 प्लस 480, वापस प्लस 480, फिर अभी कैपिटल रिजर्व में से 160 लेना है, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और माइनस नीचे इंटेंजिबल का 48, तो कितना आ जाएगा, 3424। यस, ये 3424 ये हमारा आ गया टायर 1 का। अभी टायर 2 में कितना आ जाएगा, ये जो कैपिटल रिवैल्यूएशन की वजह से रिजर्व था 128, इसमें से 55% लेस करके जो आएगा टायर 2 का आएगा, तो कितना आएगा, 128 माइनस 55%, तो टायर 2 का, 2 का आया। ये हो गया हमारे टोटल कैपिटल फंड्स। अभी रिस्क एडजस्टेड एसेट निकालना है, तो आरबीआई के पास है तो 0% रिस्क आ जाएगा, बैंक्स के पास 20%, लॉस अदर इन्वेस्टमेंट तो 100% आ जाएगा। अभी लोन्स एंड एडवांसेस गवर्नमेंट ने दिया तो 0%, स्टाफ अगर स्टाफ एडवांसेस फुल्ली कवर्ड बाय सुपर एनुएशन फंड्स बेनिफिट्स, तो इसमें 20% है। ये यूनिक था, ये याद रखता, जो स्टाफ एडवांसेस है फुल्ली कवर्ड है बाय सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, तो इसके ऊपर 20% का प्रोविजन करना है, सॉरी 20% का रिस्क है इसमें। प्रोविजनल रिस्क में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर थोड़ा सा हुआ बट उतना हमें दिमाग को अलर्ट रहना है कि ये रिस्क है, ये प्रोविजन है। तो यहाँ पर हम रिस्क की बात करें, सुपर एनुएशन बेनिफिट्स रिस्क के ऊपर कितना आएगा, 20% रिस्क आ जाएगा, अदर लोन्स के ऊपर 100%, प्रीमाइज फर्नीचर के ऊपर भी 100%। तो ये आ गया हमारा टोटल रिस्क, और ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर हम 100% ही लेते हैं, तो ये फॉर्मूला में डाल के हमारा आ जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यहाँ पर ही हमारा बैंकिंग कंपनी का चैप्टर कंप्लीट होता है।
देखिए, बहुत इजी चैप्टर था और ये बहुत स्कोरिंग भी है। देखो ना, अभी यहाँ पे ये कितने कितने मार्क्स, कितनी बार ये एग्जाम्स में आया है। तो आप लोग ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना। रिस्क और प्रोविजंस का परसेंटेज अच्छी तरह से, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? यस। सो गाइज, यहाँ पर ही हम अपना सेशन एंड करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तभी तक के लिए आप लोग ये लेक्चर्स को चाहिए तो एक ही बार देखना, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार ध्यान से देखना, ठीक है? अभी एग्जाम्स पास में तो फटाफट आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है? तो अभी के लिए चलो, अभी बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच, एंड गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलो बाय बाय।